हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप CAPF का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है उसका आप बेसिक जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहली चीज है, आप इंस्ट्रक्शन जरूर से पढ़ना। हालांकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का इंस्ट्रक्शन चेंज नहीं होता है, मगर फिर भी इंस्ट्रक्शन जरूर से पढ़ना। और CAPF के एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ही आता है और उस एक पैसेज में के बेस पे आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं और मार्क्स एक क्वेश्चन के 4 होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल 20 मार्क्स का पूरा पैसेज होता है। कोई चॉइस नहीं होता है, एक ही पैसेज होता है। आपको ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 15 मिनट में खत्म करना है, यानी 5 क्वेश्चन का आंसर आपको 15 मिनट में खत्म करना है। बहुत ईजी है, आप आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वर्ड लिमिट एज सच इसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं होता है, आपको बेसिकली कंप्लीट आंसर लिखना है और वो कंप्लीट आंसर अगर आपका एक लाइन में खत्म हो रहा है तो आपको पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। ओके, अगर आपका 3 लाइन में खत्म हो रहा है, 4 लाइन में खत्म हो रहा है, 6 लाइन में खत्म हो रहा है, हालांकि मैंने 1-4 लाइन्स लिखा है, मगर इट ऑल डिपेंड्स आपका मगर आपको क्या करना है कि आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है। अब वो डिपेंड करता है टू द पॉइंट आंसर आपका कितने लाइन में खत्म होता है। ये इजी और स्कोरिंग होता है। ओके, अगर आपने टू द पॉइंट आंसर लिखा है, पूरा कंप्लीट एक्यूरेट आंसर लिखा है, तब आपको मार्क्स मिलते हैं, अच्छे खासे मार्क्स मिलते हैं इसमें। और अगर आप एग्जाम पैटर्न CAPF का वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने बताया है कि एवरेज स्कोर कितना होता है और गुड स्कोर कितना होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। आपको जो स्टडी मटेरियल मिलेगा उसमें मैंने 5 ईजी पैसेज दिए हैं, 5 मॉडरेट पैसेज दिए हैं और 5 एडवांस पैसेज दिए हैं। तो सबसे पहले आप इजी पैसेज करना, हमेशा से मैंने कहा है एग्जाम में भी आप एग्जाम में भी आंसर लिखते हो, सबसे पहले इजी जो चीज लगती है, क्वेश्चन नहीं लगता है इजी, वो करो। अगर वो करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और आपको लगता है हाँ मैं कर पाऊंगा। ओके, फिर धीरे धीरे आप मॉडरेट में आओ और फिर उसके बाद आप एडवांस में जाओ। ओके, तो हम आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आप ये मत सोचो चलो मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैं थ्योरी पार्ट समझ गया हूँ, अब मैं सीधे CAPF का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करता हूँ। जब तक आप थर्ड सीढ़ी तक नहीं चढ़ोगे और आप सोचोगे 25 सीढ़ी में डायरेक्ट पहुंच जाऊं लिफ्ट से, तो प्रॉब्लम है। ओके, तो ईजी, मॉडरेट एंड एडवांस। ईजी वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, मुझे सॉल्व करके आप दोगे, मैं उसको इवैल्यूएट करूंगी और वापस दूंगी आपको। जो मैं आपको फीडबैक दूंगी उस फीडबैक से आपको पता चलेगा आपकी कमी क्या है, उस कमी को आप सुधारना। ओके, फिर मॉडरेट शुरू करना, मॉडरेट का क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे देना, एडवांस शुरू करना, एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे देना फीडबैक के लिए। और स्टूडेंट्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। ओके, ये नाउन फॉर्म है, इसका वर्ब फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंड। आर यू एबल टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू? क्या आपको समझ में आ रहा है मैं जो आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ? कॉम्प्रिहेंड का मतलब समझना। ओके, कॉम्प्रिहेंशन नाउन, अंडरस्टैंडिंग नाउन। ओके, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? रीडिंग का मतलब रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग, यानी रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग। कोई भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन सेटर्स आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसलिए देता है कि वो जानना चाहता है कि आप कोई भी पैसेज को पढ़कर रीड करके आपको कितना समझ में आता है, और अगर आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा वो कैसे पता चलेगा, वो कैसे असेस करेंगे, एवेल्युएट कैसे करेंगे? आपको क्वेश्चन दे दिया, अगर आपने क्वेश्चन का आंसर एकदम एक्यूरेटली दे दिया, टू द पॉइंट दे दिया, तो इसका मतलब आप रीड करके कोई भी चीज को समझ सकते हो। तो ऑब्वियसली ये ऐसे भी जरूरी होता है क्योंकि आजकल जितने भी कम्युनिकेशंस होते हैं वो सारे ईमेल्स के जरिए होते हैं, लेटर्स के जरिए होते हैं, तो लेटर को रीड करके समझना पड़ता है। ऑफिशियल लेटर मिलेगा, क्या आप उसको रीड करके समझ सकते हो? यही जानने की कोशिश की जाती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। तो इसीलिए आप देखोगे यूजुअली हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता ही होता है, क्योंकि इसमें आपकी रीडिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल और साथ में राइटिंग स्किल, तीनों का तीनों एक साथ एसेस हो पाता है। ओके, अब स्टेप क्या है? तो यूजुअली हम स्टेप क्या फॉलो करते हैं? यूजुअली ये स्टेप फॉलो करते हैं कि पैसेज मिलता तो पैसेज को पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये स्टेप नहीं फॉलो करोगे, सबसे पहले पैसेज को नहीं समझोगे, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ोगे।
जितने भी क्वेश्चन हैं उसको पढ़ोगे। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि पैसेज में बेसिकली बात क्या हो रही है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ के फाइंड द कॉमन कीवर्ड दैट इज देयर इन ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन। पूरे जित पांच क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन में क्या ऐसा कॉमन कीवर्ड है जो सारे क्वेश्चन में है, तो वो आपका बन जाता है क्या, वो आपका टॉपिक बन जाता है। तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द टॉपिक ऑफ द पैसेज इवन बिफोर रीडिंग द पैसेज, यानी पैसेज पढ़ने के पहले ही आपको टॉपिक पता चल जाता है। इनफैक्ट टॉपिक के अलावा भी बहुत कुछ पता चल जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के उसमें कॉमन कीवर्ड निकालेंगे। हु यूज टेम्पल्स एज रेस्टिंग प्लेस फॉर सिक, वाई वर द रोमन्स द फर्स्ट टू रियलाइज द नीड फॉर हॉस्पिटल्स, बाय हूम वॉज नर्सिंग डन इन द पास्ट, Who started the first training colleges for nurses and when? Why did rich citizens in Britain found the public hospital? तो आप देखोगे fifth question में आपका hospital word है, आपका second question में hospital word है, okay? अब उसके बाद who used temple as resting place for sick? टेम्पल एज रेस्टिंग प्लेस फॉर सिक, यानी ये भी हॉस्पिटल कब के बारे में बात हो रही है। फिर साथ में हॉस्पिटल से रिलेटेड क्या है, नर्सेस। तो यानी पूरा पैसेज आपका हॉस्पिटल और नर्सेस के बारे में बात की जा रही है, पूरे पैसेज में हमें पता चल गया बिना पैसेज को पढ़े ही। ओके, अब हमें हम इस पांचों क्वेश्चन में हमने कॉमन कीवर्ड निकाल लिया जो सारे क्वेश्चन में कॉमन था। ओके, हॉस्पिटल, नर्सेस, राइट। तो हमें पता चल गया कि ये पैसेज में हॉस्पिटल के बारे में बात हो रही है, ये पहली चीज पता चल गई। अब हमें और भी बहुत सारी चीजें पता चल सकती है। सबसे पहले हमें पैसेज का टॉपिक पता चल गया, इस पैसेज का टॉपिक है हॉस्पिटल एंड नर्सेस। हॉस्पिटल भी है, कुछ बातें हॉस्पिटल के बारे में बोली गई है और कुछ बातें नर्सेस के बारे में बात बोली गई है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या बातें की गई है। तो हु यूज टेम्पल एज रेस्टिंग प्लेस फॉर सिक, Why were the Romans first to realize the need for hospital? तो हमें यहाँ पे पता चल गया ये दोनों क्वेश्चन से कि हमें पता करना है कि हॉस्पिटल बनाने का आइडिया किसके पास आया। Why were the Roman first to realize? Who used the temple as place for sick? फिर इसके बाद by whom was nursing done in the past? यानी हॉस्पिटल कौन खोला, कैसे रियलाइज हुआ कि हॉस्पिटल खोलना चाहिए। सबसे पहले नर्सिंग किसके द्वारा किया जाता था, किसने नर्सिंग कॉलेज को खोला। वाई डिड रिच सिटीजन इन ब्रिटेन फाउंड द पब्लिक हॉस्पिटल, यानी बेसिकली हॉस्पिटल कौन खोला, क्यों खोला, कैसे रियलाइज हुआ। ओके, नर्सेस के बारे में, कौन पहले नर्सिंग करता था। तो एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगी कि पूरा पैसेज किसके बारे में बात हो रही है। ये मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, मुझे पता चल गया पैसेज हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहा है और हॉस्पिटल में भी ये बात कर रहा है कि हॉस्पिटल कौन खोला सबसे पहले, क्यों खोला, कैसे रियलाइज हुआ, नर्सिंग कौन करता था, ये सारी चीजें बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे, अभी हम क्वेश्चन पढ़ के पैसेज को समझने की कोशिश करेंगे। हाउ डज अ पर्सन रिलाय ऑन मशीनरी इन हिज डेली लाइफ, गिव टू एग्जाम्पल्स। आफ्टर ब्रेकफास्ट द ऑथर लीव्स फॉर हिज ऑफिस, हाउ डज ही रीच टू हिज ऑफिस। Describes the author's different chores at the office. In what ways does the man rely on machines? How do machines work? Do men invent machines because they are lazy? इस पूरे questions में common word कौन सा है? Machine. First question. Second question. Third question. Fourth question. यानी छह questions है total और इसमें पांच और चार questions है machine है। यानी हमें समझ में आ गया कि पूरे पैसेज में मशीन के बारे में बात हो रही है। अब टॉपिक हमें पता चल गया पैसेज का, अब मशीन के बारे में क्या बात हो रही है ये हम देखते हैं। हाउ डज अ पर्सन रिलाय ऑन मशीनरी, यानी मशीन पर लोग कैसे आजकल निर्भर हो गए हैं, डिपेंडेंट हो गए हैं, ये पूछ रहा है। ओके, अब दूसरा है कि इन वॉट वे डज द मैन रिलाय ऑन मशीन, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है फर्स्ट एंड फोर्थ। मशीन कैसे काम करता है, क्या इंसान ने मशीन इसलिए इन्वेंट किए क्योंकि वो लेजी है। यानी हमें समझ में आ गया पैसेज बात कर रहा है
कि मशीन को क्यों इन्वेंट किया गया, आजकल लोग कैसे मशीन पे आजकल डिपेंडेंट हो गए हैं. ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हाई डज द यूजीसी वांट टू इंक्रीज द डायरेक्ट टीचिंग आवर्स ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स, व्हाट इज द रीजन फॉर द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एज मेंशनड इन द पैसेज. Besides direct teaching, where do university teachers spend considerable time? What does UGC want about vacant posts? How much per person the number of teachers in higher education per million population in India decrease between इतना से इतना. तो आपको क्या लगता है इसमें कॉमन वर्ड कौन सा है? इसमें कॉमन वर्ड यूनिवर्सिटी टीचर्स. ओके, फिर से यूनिवर्सिटी आ गया है, टीचिंग यूनिवर्सिटी टीचर्स, ये वापस से आ गया है. ओके, यहां पर भी टीचर्स है हायर एजुकेशन में, इसका मतलब है यूनिवर्सिटी टीचर्स. यानी पांच क्वेश्चन में आपका तीन क्वेश्चन तो यूनिवर्सिटी टीचर्स के बारे में ही है. ओके, अच्छा ये चीज हमें पता चल गई. अच्छा, और आपको क्या लग रहा है यूनिवर्सिटी टीचर्स के बारे में अच्छी बात हो रही है या खराब बात हो रही है? एक नेगेटिव ओपिनियन और एक पॉजिटिव ओपिनियन. बेसिकली पूरा पैसेज में हमें ये देखना है कि ऑथर जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है उसमें नेगेटिव बात कर रहा है कि पॉजिटिव बात कर रहा है. तो आप बताइए क्या बात कर रहा है, नेगेटिव की पॉजिटिव? अब देखिए, यूजीसी डायरेक्ट टीचिंग आवर्स को इंक्रीज करना चाहता है यूनिवर्सिटी टीचर्स का, तो ये एक तरह से गलत बात है. ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी टीचर्स काम नहीं कर रहे होंगे, इसीलिए तो टीचिंग आवर्स इंक्रीज हो रहा होगा शायद. ओके, तो ये एक तरीके से वर्किंग आवर्स अगर बढ़ाया जा रहा है तो ये खराब बात है ना, नेगेटिव चीज है. ठीक है, फिर साथ में सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, इससे पता चल रहा है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज की हालत खराब है. ओके, इससे हमें कुछ नहीं पता चल रहा है. बिसाइड्स दैट, वेयर डू यूनिवर्सिटी टीचर्स स्पेंड कंसिडरेबल टाइम, व्हाट डज यूजीसी वांट अबाउट वेकेंट पोस्ट, पोस्ट वेकेंट है, ये भी तो नेगेटिव चीज है. ओके, अब फिर इसमें लिखा है कि हाउ मच परसेंट नंबर ऑफ टीचर्स इन हायर एजुकेशन पर मिलियन पॉपुलेशन इन डिक्रीज. अगर नंबर ऑफ टीचर्स डिक्रीज कर रहे हैं तो ये भी नेगेटिव है. इसका मतलब साफ है कि इसमें ऑथर टीचर्स के बारे में या यूनिवर्सिटी के बारे में जो बात कर रहा है वो नेगेटिव कर रहा है. और बेसिकली इसमें आपका टीचिंग आवर्स के बारे में भी बात हो रही है, इंडियन यूनिवर्सिटी की जो हालत खराब है उसके बारे में बात हो रही है. तो यानी हम क्वेश्चन से ही हमें समझ में आ रहा है पैसेज के बारे में क्या बात हो रही है, है ना. अब पैसेज आप सोचो इतना लंबा होता है, उसको हम समझने में कितना टाइम लगा देते हैं, जबकि हम क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक लाइन का क्वेश्चन है, यानी टोटल पांच लाइन सिर्फ हमें पढ़ना है और समझना है, तो कितने आराम से समझ सकते हैं. अब ये क्वेश्चन देखिए, ये हम लास्ट कर रहे हैं. व्हाट काइंड ऑफ अफेक्शन कैन बी अ पोटेंट कॉज ऑफ हैप्पीनेस, हाउ कैन अ सेल्फ इनकेस्ड पर्सन गेट आउट ऑफ हिज सेंस ऑफ अनहैप्पीनेस, हाउ कैन अ पर्सन ओवरकम हिज फीलिंग ऑफ सेल्फ पिटी एंड फियर, एक्सप्लेन द वेरियस काइंड्स ऑफ करेज मेंशन्ड बाय ऑथर. आपको क्या लग रहा है किसके बारे में बात हो रही है? हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, सेल्फ पिटी एंड फियर, करेज, यानी पर्सन के इमोशंस के बारे में बात हो रही है पहली चीज. दूसरी चीज है कॉज ऑफ हैप्पीनेस, गेट आउट ऑफ हिज सेंस ऑफ अनहैप्पीनेस, कैसे ओवरकम करे सेल्फ पिटी एंड फियर को. इससे साफ पता चल रहा है कि इसमें ऑथर ये बता रहा है कैसे इंसान खुश हो सकते हैं, कैसे फियर को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे करेज लेकर आ. एक और कर लेते हैं, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड, हाउ कैन लर्निंग ऑफ वेटिंग फॉर थिंग्स बी सक्सेसफुली टॉट टू अ चाइल्ड, Why is it necessary for each stage of development to be satisfactorily complete? Why is it important for parents to share learning activities with their children? Explain what the author considers essential in teaching morality to the child. किसके बारे में बात हो रही है? Child के बारे में बात हो रही है. हर जगह child है. Stage of development में child के बारे में बात हो रही है. Children, child, simple. अब क्या हो रही है बात child के बारे में देख सकते हैं कि क्या क्या. इसको छोड़ दो तो चाइल्ड को सिखाने की बात हो रही है, टॉट. ओके, फिर यहां पर भी शेयर लर्निंग एक्टिविटीज, इसमें भी सिखाने की बात हो रही है. टीचिंग मोरालिटी टू चाइल्ड, इसमें भी सिखाने की बात हो रही है. पांच क्वेश्चन में, तीन क्वेश्चन में तो सिखाने की बात हो रही है.
और अपब्रिंगिंग होती है चाइल्ड की, तो क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है उसको, तो बेसिकली चाइल्ड कैसे सीखता है, उसको क्या क्या सिखाना चाहिए और पॉजिटिव चेंज कैसे सिखाया जाता है, यही बात हो रही है। तो स्टूडेंट जब आप क्वेश्चन पढ़ लोगे और क्वेश्चन पांच लाइन, सिर्फ पांच क्वेश्चन तो पांच लाइन का क्वेश्चन, अगर उस पांच लाइन को आप समझ लोगे तो आप एंटायर पैसेज को आप समझ चुके हो। तो आपको पैसेज को समझने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, अगर आपने क्वेश्चन पहले पढ़ के समझ लिया तो आपको पैसेज समझने में टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन में जो कॉमन कीवर्ड है जो रिपीट हो रहा है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में, पांच क्वेश्चन है तो तीन क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है, ओके इस तरह से, या पांचों क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है, तो वो कॉमन कीवर्ड क्या बन जाएगा, पैसेज का टॉपिक बन जाएगा। ओके अब ये पैसेज का टॉपिक बन गया, अब इस टॉपिक के बारे में क्या बात हो रही है, ऑथर का क्या ओपिनियन है, क्या बात कर रहा है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। अब क्या बात कर रहा है वो हम देखेंगे। तो हमने ये पढ़ा है कि क्वेश्चन को रीड करके कॉमन कीवर्ड निकाल लेना, कॉमन जो कीवर्ड होगा वो ही आपका टॉपिक बन जाएगा पैसेज का, तो आपको पैसेज पढ़ने के पहले ही पता चल जाएगा टॉपिक क्या है, उसके बाद उस टॉपिक के बारे में क्या बात हो रही है वो भी क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आ जाएंगे। क्या वो टॉपिक कोई प्रॉब्लम है, क्या उस टॉपिक की हिस्ट्री के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, क्या उस टॉपिक को डिस्क्राइब करने की बात हो रही है, क्या उस टॉपिक के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कॉज, रीजन, इफेक्ट, सॉल्यूशन कुछ बात हो रही है, और ऑथर का क्या ओपिनियन है। ऑथर का ओपिनियन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑथर का ओपिनियन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है ये पता लगाना बहुत जरूरी है। ओके तो आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा, पांचों क्वेश्चन देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि टॉपिक क्या है और टॉपिक के बारे में ऑथर क्या बात कर रहा है। तो फिर जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको पैसेज इजी लगेगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो यही था कि हम क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन से ही टॉपिक निकाल ले, और क्वेश्चन से ये भी निकाल ले कि टॉपिक के बारे में ऑथर क्या बात कर रहा है पैसेज में। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपको पैसेज पढ़ना है। अब पैसेज पढ़ने का तरीका क्या है, आप कभी भी पैसेज को ऐसे मत पढ़ना कि मुझे पूरा पैसेज समझना है, क्योंकि पैसेज आप ऑलरेडी समझ चुके हो। तो आप कभी भी पैसेज को वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस समझने की कोशिश मत करना। ओके कोई वर्ड अनफेमिलियर सा दिख गया, उसकी मीनिंग आपको नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ो। कोई कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस दिख गया, नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। आप टाइम वेस्ट करोगे, आपको 15 मिनट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो आप हर एक वर्ड समझोगे या हर एक सेंटेंस को समझोगे, मत करना। और कहीं पे फंसने की जरूरत नहीं है, डू नॉट गेट स्टक, क्योंकि आप पैसेज समझ चुके हो, क्वेश्चंस पढ़ के आपने ऑलरेडी पैसेज समझ लिया। अब बस आपको काम क्या करना है, आपको आंसर्स को लोकेट ही तो करना है, इसके अलावा आपको और कोई काम नहीं करना है। डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज वाइज रीडिंग। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पैसेज पढ़ते पढ़ते देखते, अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑथर ने ये वाली चीज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दे ट्राई टू रिटेन द इन्फॉर्मेशन दैट इज गिवन इन द पैसेज। डू नॉट डू सो। आपको पैसेज में जो कंटेंट दिया है उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज इट इज आपको सेकेंड रीडिंग करना ही पड़ेगा। क्यों? आंसर्स को लोकेट करने के लिए, क्योंकि आंसर्स तो आपको पैसेज से निकालना है ना, तो उसको लोकेट तो करना पड़ेगा। लोकेट करने के लिए आपको पैसेज तो सेकेंड बार पढ़ना ही पड़ेगा ना, तो इसीलिए इंफॉर्मेशन को याद रखने की कोशिश मत करो, सिर्फ पढ़ते जाओ। और जब आप पढ़ रहे हो ना स्टूडेंट्स, तो रिकॉल करो, अच्छा तो ये क्वेश्चन था, ओके ये आंसर है इसका, फिर अच्छा तो ये पूछ रहा था कि यूनिवर्सिटी टीचर्स का टीचिंग आवर्स क्यों बढ़ाना है, ओके ये रहा, अच्छा अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड के बारे में, अच्छा मोरालिटी सिखाने की बात चल रही थी, पांच क्वेश्चन था ना मोरालिटी, अच्छा तो मोरालिटी के बारे में यहां पर बात हो रही है, तो उसको अंडरलाइन भी करते जाओ, क्योंकि क्वेश्चन पांच ही है, तो क्वेश्चन पांच जो है आपको याद रहेगा कि कौन सा पांच क्वेश्चन है, मोरालिटी है, मोरालिटी ऑफ द चाइल्ड है, कि मोरालिटी कैसे सिखाना चाहिए, कैसे वेटिंग फॉर थिंग्स सिखाना चाहिए, पेशेंस कैसे सिखाना चाहिए बच्चों को, क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड, तो ये सारी चीजें आप रिकॉल करोगे, आई मीन आपके स्ट्राइक करेगी, एक्चुअली आप रिकॉल करने की कोशिश नहीं करोगे। जब आप पैसेज पढ़ोगे तो क्वेश्चंस के जो टिपिकल वर्ड्स है, मोरालिटी, अपब्रिंगिंग, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, वेटिंग फॉर थिंग्स, ये सारी चीजें आपको स्ट्राइक करेगी व्हाइल यू रीड द पैसेज, अपने आप स्ट्राइक करेगी।
ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैसेज क्या बोल रहा है, ओके, ऑथर क्या बताना चाह रहा है. ओके ओके, नेक्स्ट है, अब आप आंसर्स लिखोगे. तो सबसे पहली चीज है, आंसर्स का जो क्वालिटी होता है वो कैसा होना चाहिए. आपका आंसर एक्यूरेट होना चाहिए. अगर मैं एक्यूरेट बोल रही, इट मीन्स इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द पैसेज. आप पैसेज के बाहर आप नहीं करोगे आंसर. अब सपोज एक पैसेज है, फॉर एग्जाम्पल, जिसमें पूरे पैसेज में CO2 के बारे में बात कर रहा है कि CO2 बहुत पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है. और वो कौन से CO2 के बारे में बात कर रहा है? वो ऐसे CO2 के बारे में बात कर रहा है दैट इज बीइंग एमिटेड बाय द व्हीकल्स, ओके, मूविंग व्हीकल्स. तो व्हीकल से जो CO2 एमिट हो रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा है. ओके, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रॉम विच सोर्सेस द गैस CO2 इज एमिटेड, सपोज ये क्वेश्चन है, कौन से सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया जा रहा है, और पूरे पैसेज में सिर्फ मूविंग व्हीकल से CO2 एमिट किया जा रहा है यही बता रहा है. मगर आपको लग रहा है यार फैक्ट्री से भी तो CO2 एमिट होता है, चलो मैं ये भी लिख दे, तो ये गलत हो जाएगा बिकॉज इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द पैसेज. आप सही बोल रहे हो कि CO2 फैक्ट्री से भी एमिट होता है, फैक्ट्री की चिमनी से भी निकलता है, ये आप सही बोल रहे हो. मगर पैसेज में है नहीं है तो आप नहीं लिखोगे, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो दैट बिकम्स इनएक्यूरेट आंसर. तो जो पैसेज में इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है, अदरवाइज सारे इंफॉर्मेशन फॉल्स है, ये समझ लो. नेक्स्ट है टू द पॉइंट. आपके आंसर टू द पॉइंट होने चाहिए, नो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. अब सपोज लिखा है कि CO2 से ऐसी कौन सी डिजीज होती है जिससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है. उस पैसेज में बहुत सारे डिजीज के बारे में लिखा हुआ है जिसकी वजह CO2 है, बहुत सारे डिजीज के बारे में लिखा है. मगर क्वेश्चन लिखा है कि ऐसा कौन सा डिजीज है जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तो आपको सिर्फ वो डिजीज मेंशन करना. अब आप ये सोचोगे अरे इसमें तो बहुत सारे डिजीज लिखे हैं पैसेज में, तो सारे डिजीज का नाम लिख दूं क्या? नहीं, जो क्वेश्चन है वही आंसर है. यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, पैसेज में कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है मगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. अगर आप और भी डिजीज का नाम दे दोगे तो वो तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द क्वेश्चन, वो नहीं करोगे. ओके, टू द पॉइंट होना चाहिए. फ्रेम आंसर्स इन सिंपल सेंटेंस. आपके आंसर्स एकदम सिंपल सेंटेंस में होने चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस मत लिखना, ठीक है. आपका आपको पैसेज से कॉपी डाउन करना है सेंटेंस तो भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिर उसको सिंप्लीफाई करके करो. ओके, डू नॉट कॉपी द सेंटेंस ऑफ द पैसेज. फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर कॉपी करना है तो करो, मगर उसको मेक अ स्लाइट चेंज. ओके, ये वाली चीज मैं बाद में लूंगी. टेंस ऑफ क्वेश्चन लिखना चाहिए था एंड आंसर सेम. कहने का मतलब क्वेश्चन और आंसर का जो टेंस होना चाहिए ना वो सेम होना चाहिए. कहने का मतलब है अगर क्वेश्चन आप देख रहे हो पूछा जा रहा है पास्ट टेंस में तो आपका आंसर भी पास्ट टेंस में होना चाहिए. क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है प्रेजेंट टेंस में तो आपका आंसर भी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए. और जब आप आंसर लोकेट करते हो तो याद रखना आंसर स्कैटर्ड होता है. फाइन, आपको आप सोचोगे अच्छा मुझे आंसर मिल गया फर्स्ट पैराग्राफ में, अब मैं सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में नहीं जा पाऊं, तो ये यूपीएससी का पैसेज है भाई. इसका आंसर अगर फर्स्ट पैराग्राफ में है तो इसका एक और पॉइंट आपको लास्ट पैराग्राफ में भी मिल सकता है. ओके, अच्छा, टेक द सेंटेंस फ्रॉम द क्वेश्चन फॉर स्टार्टिंग द फर्स्ट लाइन ऑफ द आंसर. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि आंसर शुरू कैसे करें, शुरुआत ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. ऐसे शुरुआत कैसे करें, रिपोर्ट शुरुआत कैसे करें, आर्ग्यूमेंट कैसे शुरुआत करें, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरुआत करने में होती है. तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ शुरुआत करने का. आप तो पांच क्वेश्चन है तो उसमें कम से कम चार क्वेश्चन में ऐसे शुरुआत कर सकते हो आराम से. ओके, अब इसमें लिखा है जो क्वेश्चन का सेंटेंस है उसी को आप आंसर का सेंटेंस बना दो. जैसे कि अब जैसे व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड, तो अब आप इसको कैसे लिखोगे? फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड आर, तो आप क्या किया, आपने शुरुआत क्वेश्चन वाले ही सेंटेंस से अपने आंसर्स को शुरुआत कर दिया. हाउ कैन लर्निंग ऑफ वेट फॉर थिंग्स बी सक्सेसफुली टॉट टू द चाइल्ड, तो अब इसका कैसे शुरुआत करोगे, ऐसे शुरुआत करोगे द लर्निंग ऑफ वेटिंग फॉर थिंग्स. मैं इसको पूरा लेती हूं, द लर्निंग ऑफ वेटिंग फॉर थिंग्स कैन, वर्ब तो यूज करना पड़ेगा ना, तो ये वाला कैन मैंने यहां पर यूज कर दिया. बिना
ट्रू वर्ब के नहीं हो सकता है, कैन बी सक्सेसफुली टॉट टू अ चाइल्ड. अब हाउ है तो हाउ का आंसर क्या होगा, बाय. फिर अब आंसर अपना लिखना शुरू कर दो, जो भी आंसर लिखना है. व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर ईच स्टेज ऑफ डिवेलपमेंट टू बी सैटिस्फैक्टरली कंप्लीट. अब आप कैसे शुरुआत करोगे, अब ये इज इट है तो ये वाला इट सब्जेक्ट को बनाओ. इट इज नेसेसरी फॉर ईच स्टेज ऑफ डिवेलपमेंट टू बी सैटिस्फैक्टरी कंप्लीट. आप इसको ऐसे करके पूरा का पूरा ले लोगे. अब वाई का आंसर क्या होगा, बिकॉज. और फिर अपना आंसर लिखना शुरू कर देना. नेक्स्ट है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू शेयर लर्निंग एक्टिविटीज विद देयर चिल्ड्रन. तो मैंने इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू शेयर लर्निंग एक्टिविटीज विद देयर चिल्ड्रन बिकॉज, क्योंकि वाई का आंसर है. नेक्स्ट है, एक्सप्लेन व्हाट द ऑथर कंसिडर्स एसेंशियल इन टीचिंग मोरालिटी टू द चाइल्ड. तो द ऑथर कंसिडर्स एसेंशियल इन टीचिंग द मोरालिटी टू द चाइल्ड. व्हाट द ऑथर कंसिडर्स, तो बेसिकली इसमें कहना चाह रहा है कि क्यों कंसिडर करता है, तो बिकॉज. फिर बोल दो, क्लियर हो गई बात. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको आंसर शुरुआत करनी है. अगर आप इस तरह से आंसर शुरुआत करोगे ना, आप कभी भी डेविएट नहीं होगे, डेविएट नहीं होगे, और आपका आंसर टू द पॉइंट होगा, एक्यूरेट होगा. तो फिर स्टूडेंट्स इसी तरह से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर सकते हो. बहुत इजी है, क्वेश्चन से ही आपको समझ में, क्वेश्चन समझ जाओगे पांचों क्वेश्चन, तो आपको पैसेज ही पूरा समझ में आ जाएगा. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.